नमस्कार दोस्तों, करियर स्ट्रीट पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, उनके फुल फॉर्म और उनमें सदस्य देशों की संख्या के बारे में। तो क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला संगठन जो है वो सार्क, जिसका पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है और सदस्य देश इसके 8 हैं। इन 8 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। तो सार्क में सदस्य देश 8। चलिए दूसरे पे हम चलते हैं। दूसरा है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब ये जो यूनेस्को है, इसका जो स्थापना हुआ वो हुआ 4 नवंबर 1945 को और भारत 1946 में इसका सदस्य बना। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। सदस्य देश इसमें 193 देशों की सहभागिता है। अगला है हमारा G20। तो सबसे पहले हम जानते हैं G20 है क्या। यह विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। स्थापना इसका हुआ 1999 में और मुख्यालय इसका, G20 का मुख्यालय व सचिवालय कहीं नहीं है। इसके सदस्य देशों में ही बारी बारी किसी देश में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, मतलब इसका कोई स्पेशल ऑफिस नहीं है कहीं पे। ध्यान रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ है वो 1999 में हुआ। फिर है G7। तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1975 में हुई, G7 की स्थापना। और G7 है क्या, ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नतशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ये 7 देशों से बना है G7। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये सब। अगला है ILO, भाई गलत मत सोच लेना, ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी जो हुई वो 1990 में, मतलब 1919 में हुई। सदस्य देश इसके 187 हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना इसका जो हुआ 1995 में हुआ और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, UN या UNO। तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। शुरुआत में इसमें 50 सदस्य देश थे और वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा है, इसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, 193 देशों का समूह है ये। अगला यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ का नाम देते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। स्थापना इसकी जो हुई थी, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी, 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। फिर है WHO, नाम सुनते होंगे आप बराबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और स्थापना इसकी जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
हाँ ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने। इन्हीं के जन्मदिन पर 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इन्हीं को शांति क्षेत्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? हेनरी ड्यूनेंट को। और 1863 में 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 8 मई 1863 को। अगला है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। स्थापना इसका हुआ 4 अप्रैल 1949 को और सदस्य देशों की संख्या 30। आगे एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसे हम एशियान या आसियान भी बहुत से लोग कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है। स्थापना इसकी हुई 8 अगस्त 1967 को और सदस्य देशों की संख्या 10। 10 देश इसके सदस्य हैं आसियान के। नेक्स्ट है ओपेक, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मीन्स पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया वियना में है और स्थापना इसकी जो हुई 1960 में हुई और वर्तमान सदस्य देश 13 हैं। 1 जनवरी 2019 को कतर यहाँ से बाहर हो गया, मतलब नहीं तो इसमें 14 देश थे, तो 1 जनवरी 2019 को कतर बाहर हो गया ओपेक से। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फिर है IAEA, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 को हुई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका मुख्यालय रोम इटली में है। स्थापना इसकी जो हुई वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई और सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करें तो 197 देश इसके सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? FAO के, इसका पूरा नाम आपको बताया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है और स्थापना इसकी जो हुई वो 1945 में। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें सदस्य देश 193 हैं, मतलब अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1945 में और उद्घाटन पूछा गया तो 18 अप्रैल 1946 को उद्घाटन अधिवेशन हुआ था और सदस्य देश 193 हैं और कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, मतलब प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। इंटरपोल, नाम आपने कई बार सुना होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। स्थापना इसकी जो हुई थी 1923 में हुई थी और सदस्य देश 194। नेक्स्ट आपका है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है और स्थापना इसकी जो हुई थी वो जुलाई 1944 को हुई थी। और बात करें अगर सदस्यता की, मतलब सदस्य देश की, तो 189 देश इसके सदस्य हैं। विश्व बैंक के जो सदस्य हैं 189 देश। ADB, इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में और स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, ADB का मुख्यालय मनीला में है फिलीपींस के और स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, सदस्य देश 68। नेक्स्ट है OECD,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। मुख्यालय इसका है पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है, और स्थापना इसकी हुई थी 1961 में, और सदस्य देशों की संख्या है 35। नेक्स्ट हमारा है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या, और स्थापना हुआ था इसका 5 जून 1972 को, यूनेप का 5 जून 1972 को, और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और मुख्यालय इसका Washington DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो IMF की स्थापना 1945 को हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इस तरह से ये था इम्पोर्टेंट वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।